हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइस बोर्न डिजीजेस और आज हम उसी चेन के अंदर वेगाबॉन्स डिजीज के बारे में स्टडी करेंगे। वेगाबॉन्स डिजीज जो होती हैं उनको हम पेडिकुलोसिस कार्पोरिस भी बोल देते हैं, जिसमें जो मेन सिम्टम रहता है वो होता है कि स्किन के ऊपर जो है जहाँ पर लाइस बाइट करती है और लगातार लंबे समय तक ऐसा होता रहता है तो वहाँ पर स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इंडिविजुअल हु हैव इन्फेस्टेशन फॉर मैनी ईयर्स कैन डेवलप ए कंडीशन और जिसको हम वेगाबॉन्स स्किन का नाम दे देते हैं। वो रीज़न जहाँ पर स्किन जो है लाइस के द्वारा बाइट होती है वहाँ का एरिया जो है लगातार बाइट होने से थिकंड हो जाता है, डार्कंड हो जाता है आफ्टर ईयर्स ऑफ बाइट्स एंड सब्सिक्वेंट रबिंग एंड एक्सकोरिएशन, कि जहाँ पर बाइट हुई है वहाँ पर लगातार जो है रबिंग कर रहे हैं और वहाँ पर एक्सकोरिएशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो कॉन्शियसली क्या करते हैं उस स्किन के जो स्किन है उसको पिक किया जाता है, जिसके कारण मतलब कि आप एक तरह से वहाँ पर स्क्रैच करते चले जाते हैं और वहाँ की स्किन जो है वो रिप्लेस होती है, रिप्लेस तो नहीं कहेंगे, रिमूव होती रहती है, जिसके कारण वहाँ पर लिजन जो है वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। पेडिकुलोसिस जो कार्पोरिस है वो क्यूटनेस डिजीज़ है, एक तरह से स्किन की डिजीज़ है जो कि लाइस के द्वारा होती है। लाइस जो है वो अपने एग जो है जो क्लोदिंग की सीम्स होती हैं, सिलाई होती है, चाहे वो बेडिंग की हो क्लोदिंग की हो, वहाँ पर अपने एग जो है वो ले करती है। उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर तभी जाती है जब उसको फीड लेना होता है, अदरवाइज उसका जो एग लेइंग होता है वो क्लोथ्स के ऊपर होता है। पेडिकुलोसिस कार्पोरिस इज ए यूबिक्यूटस स्किन डिजीज। बॉडी लाइस जो है वो हाईली स्पेशलाइज पैरासाइट है जो कि अपने जो प्रोपेगेशन है उसका वो क्लोथ्स के ऊपर करती है, स्किन के ऊपर अपने एग ले नहीं करती। ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्ट होता है, प्रोलोंग कॉन्टैक्ट के कारण होता है विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड ऑब्जेक्ट और आर्टिकल, कि जो पेशेंट है इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके ऊपर लाइस ने अपना बाइट करके जो है वहाँ पर सिम्टम अपीयर होने लग गए, उसका के साथ अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी जो है इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकेगा, अदरवाइज ट्रांसमिट नहीं होता। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि फ्लाई जो है वो एक से दूसरे में पहुंच गई और वहाँ से, या लाइस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फ्लाई कर गई, क्योंकि फ्लाई तो वो करते नहीं हैं, वो सिर्फ जो है वो कपड़ों के ऊपर जो है एग्ली करती हैं। और इसी तरह अगर कोई पर्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाता है या उसकी ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स है, अदर आर्टिकल्स हैं, तब कहता है इन्फेक्शन जो है उसके ट्रांसमिट होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता है। ये डिजीज़ जो है जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, जैसे कि कैंप के अंदर, रिफ्यूजी कैंप में, होमलेस एरिया में, जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं जैसे फेमाइन है, ड्रॉट है, या आप देख सकते हैं वो ड्रॉट तो नहीं कहेंगे, फ्लड है, वॉर है, यहाँ पर जो है इन्फेस्टेशन होने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। और ये वार्मर डेज ऑफ समर, समर के जो वार्म डेज होते हैं उन्हीं में इन्फेक्शन जो है वो हो पाता है। इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि एग अगर मिलते हैं क्लोथ्स के ऊपर रादर देन, मतलब कि स्किन के ऊपर, हमने देखा कि स्किन के ऊपर एग ले नहीं करती हैं, तो क्लोथ्स के ऊपर अगर आप एग्जामिन क्लोज एग्जामिन करेंगे उसमें तो एग अगर दिख जाते हैं तो डायग्नोज हो सकता है। इसके अलावा
जो हमने बताया मार्क्स हो जाते हैं बॉडी के ऊपर, आप देखेंगे स्किन के ऊपर रैशेस जो हैं वो दिखाई देते हैं, जिसको एम्पिटिगो बोल देते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट भी फाइंडिंग कर सकते हैं कि ब्लड स्टेन है या लाउस के जो फीसिस हैं वो दिख रहे हैं, तो भी जो है वो डायग्नोस किया जा सकता है। सिम्टम, प्राइमरी सिम्टम हमने देखा कि जहाँ पर भी बाइट करती है वहाँ पर जो है बहुत ही इंटेंस इचिंग होती है, सीवियर इचिंग होती है, जिसको प्रूराइटिस बोलते हैं। प्रूराइटस, इंटेंस स्क्रैचिंग। अब क्योंकि बाइटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो ऐसे एरिया में अगर आप बार बार स्क्रैचिंग करते हैं तो वहाँ पर एक्सकोरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है वाउंड जो है वो दिखने लग जाते हैं, और क्योंकि स्किन जो है लगातार रिमूव होती रहती है जब भी आप स्क्रैचिंग करते हैं, तो वहाँ पर वाउंड अपीयर होने लग जाते हैं, लीजन जो है वो दिखने लग जाते हैं, जिसके कारण जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, उसके चांस जो है बढ़ जाते हैं। बीटन एरिया जो है वहाँ पर थिकनिंग और डिस्कलरेशन जो है वो दिखने लग जाता है, जिसको वेगाबोन स्किन या वेगाबोन डिजीज़ का नाम इसको दिया। और ये जो है प्रोमिनेंट है, हमने देखा क्लोथिंग की सीम्स के ऊपर मिलती हैं। इसके अलावा कहता है वो सीम्स जो स्किन के पार्ट में कॉन्टेक्टेड रहती हैं, जैसे वीस्ट है, गोरिन है, थाइज हैं, एक्सिलरी फोल्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिम्टम आते हैं जब बहुत सीवियर इन्फेस्टेशन हो जाता है, तब हेडेक, फीवर और मेलियस, जिसमें अनइजीनेस जो है वो महसूस होने लग जाती है। ट्रीटमेंट में आप जो है इम्प्रूवमेंट इन हाइजीन, सबसे पहला ट्रीटमेंट यही है कि हाइजीनिक कंडीशंस को वो इम्प्रूव किया जाए, क्राउडेड एरिया को अवॉइड किया जाए, जहाँ तक हो सके बहुत जो रेगुलर बाथिंग करें, रेगुलर फ्रेश क्लोथ जो है वो चेंज करें, जिसके कारण इन्फेस्टेशन से बचा जा सकता है। कपड़ों को जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट वाटर में जो है वॉशिंग करने से इन्फेस्टेशन को हम काफ़ी हद तक इरेट कर सकते हैं। क्लोथिंग्स हैं, बेड लिनन्स हैं और टॉवल्स हैं, वो वॉश करने चाहिए हॉट वाटर में, उनको ड्राई भी हॉट साइकिल के थ्रू जो है वो रिकमेंड किया जाता है। इचिंग को ट्रीटमेंट के लिए जो टॉपिकल टाइप ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिन्स जैसे हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। अगर लेजन्स हो गए हैं, सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए सिस्टेमिक जो एंटीबायोटिक्स आती हैं उनको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे परमेथ्रिन क्रीम जो है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है 8 to 10 hours के लिए, जिसके कारण भी हम जो स्किन के ऊपर रैशेस हैं या इचिंग है उससे हम जो है वो रिड पा सकते हैं। एडिशनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि 5% बेंजोइल अल्कोहल लोशन है, 0.5% आइवरमेक्टिन्स हैं लोशन यूज़ कर सकते हैं, 0.5% मेलाथियन लोशन है, 0.9% स्पिनोसेट ट्रॉपिकल सस्पेंशन है, या 1% लिंडेन शैम्पू, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको जो है, क्योंकि ये सब केमिकल हैं, किसी ना किसी तरह से बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, तो इनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो गया है तब जो है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और भी सीवियर केस हो जाता है तो पेडिकुलिसाइड जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसे इसको भी रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि वॉशिंग से क्लोथ को हाई हीट पे वॉश करने से, ड्राई करने से काफ़ी हद तक इरेड किया जा सकता है इन्फेस्टेशन को। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो उस केस में ये पेडिकुलिसाइड जो है वो यूज़ की जा सकती है। ओरल आइवरमेक्टिन जो है वो भी रिकमेंड किया जाता है इन सीवियर केसेस में। होम रेमेडी बहुत बेस्ट रहता है कि हम घर पे ही इनका इलाज कर सकें, तो काफ़ी हद तक जो है बेनिफिशियरी भी रहता है।
जैसे नीम है, वो बहुत मेडिसिनल पावरफुल मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, और एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। तो नीम्स के जो लीव्स हैं उनको वाटर के अंदर बॉयल कर सकते हैं, या मार्केट्स में आप नीम का ऑयल आता है, नीम का शैम्पू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही पावरफुल जो है, आप देखेंगे इसमें आपको बहुत जल्दी रिकवरी जो है वो हो जाती है। टी ट्री ऑयल है, टी ट्री ऑयल वोलाटाइल एसेंशियल ऑयल जो कि स्किन रिलेटेड इशू में यूज़ किया जाता है। इस ऑयल को कहता है बहुत सारी जो बैक्टीरिया फंजाइस्ट के अगेंस्ट जो है ये बहुत अच्छी फाइट करते हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये भी तेल ऑयल क्योंकि वोलाटाइल है, इसको बॉडी के ऊपर लगाने के बाद वॉशिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वोलाटाइल है, तो ये इवेपोरेट हो जाता है। फेनुग्रीक सीड्स हैं, आप जो मेथी दाना है उसको बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीवायरल एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो उसको भी बॉडी इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। और इसमें क्या करते हैं, जो मेथी के दाने उनको रात भर भिगो दिया जाता है, सुबह वो स्वेल कर जाते हैं और उनको पीस के पेस्ट बना लिया जाता है, और उस पेस्ट को बॉडी के ऊपर जो है वो लगा लिया जाता है, और उसके बाद वॉशिंग बाथिंग के द्वारा जो है वो काफ़ी हद तक उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। कैलामाइन लोशन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, उस लोशन को आप बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं जिसके कारण ईचिंग है, जो रैशेज हैं वो दिखने बंद हो जाते हैं। लिस्ट्रिन काफ़ी कॉमन है कि माउथ वॉश में यूज़ होता है, लेकिन उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो वो भी बैक्टीरिया को किल करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। उसको भी अगर आप बॉडी के ऊपर लगा लेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आपको स्किन प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती हैं। होममेड ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें क्या करना है, एक कप हाफ ए कप जो है आलमंड ऑयल लेना है, और लिवेंडर ऑयल की ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज उसमें 1 टेबल स्पून जो है यूकेलिप्टस ऑयल डालकर उस तेल को मिक्सचर को जो है बॉडी के ऊपर लगा लेंगे तो प्योर कम्प्लीटली प्योर और नेचुरल है। किसी तरह की ये होम रेमेडी जो है वो हार्म नहीं करती हैं बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर, जिसके और रेमेडी भी बहुत अच्छी है कि इमीडिएटली आपको रिलीफ भी मिलता है। थैंक यू।